नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम साजन कुमार और आप सब देख रहे हैं YouTube चैनल समझ आया क्या। आज बात करेंगे इंडियन नेवी की वैकेंसी जो कि ऑल इंडिया के लिए निकली हुई है, जिसमें आपको मेल और फीमेल दोनों के लिए वैकेंसियां मिल जाएंगी। तो दोस्तों, पहले तो एक चीज बताना चाहूंगा, हमारा नया चैनल आ चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप जरूर विजिट कीजिए और अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वहां पे हम कुछ अलग ही टॉपिक है, वीडियो देखकर आपको समझ आ जाएगा। तो चलिए, आज की जो वैकेंसी है वो है इंडियन नेवी रिक्रूटमेंट 2017-18 SSC यानी कि शॉर्ट सर्विस कमीशन का ही ये कोर्स है, जो कि मेल फीमेल के लिए होने जा रहा है दिसंबर 18 में। दोस्तों, इसमें आपको SSC यानी कि शॉर्ट सर्विस कमीशन और PC यानी कि परमानेंट कमीशन के लिए पोस्टें मिलेंगी। अगर हम बात करें इसके लिए तो आपको टोटल पोस्टें 38 है। आप ये जो पेज देख रहे हैं ये हमारी वेबसाइट samajhaayakya.in है, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है। 38 पोस्टें हैं जिसमें SSC एजुकेशन ब्रांच है, जिसमें 18 पोस्टें हैं जिसमें फीमेल और मेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। PC परमानेंट कमीशन लॉजिस्टिक ब्रांच है, जिसमें 20 पोस्टें हैं, सिर्फ मेल अप्लाई कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन होगा, डिफेंस की जॉब है, ऑल इंडिया अप्लाई कर सकता है। 22 वीक की ट्रेनिंग होगी, ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपका सिलेक्शन प्रोसेस जो है कट ऑफ परसेंटेज के हिसाब से जब जाएगा, तो उसमें आपको स्टेज 1 और स्टेज 2 पास करनी पड़ेगी। SSB का इंटरव्यू होगा 5 दिन का, जिसके अंदर स्टेज 1 में इंटेलिजेंट टेस्ट, पिक्चर, प्रिस्क्रिप्शन और डिस्कशन टेस्ट होगा। उसके बाद स्टेज 2 जो आपकी होगी उसमें साइकोलॉजिकल टेस्ट, ग्रुप टेस्टिंग और इंटरव्यू दोस्तों आपका होगा। फिर आपका ट्रेनिंग क्लोज डेट जो है दिसंबर 18 की है। इंटरव्यू के लिए आपको बेंगलोर, भोपाल और ये कॉम्बेट कुछ है विशाखापट्टनम, यहाँ पे जाना पड़ेगा। इंटरव्यू डेट्स आपकी जुलाई 18 में आ जाएंगी। फिजिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे आप सबका 157 सेंटीमीटर नॉर्मल रखा गया है और फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर रखा गया है। इसमें आपको हाइट की जो रिलैक्सेशन है वो मिल रही है, प्लीज आप उसके लिए PDF को जरूर रीड कीजिएगा पूरी इंफॉर्मेशन के लिए। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे क्वालिफिकेशन की। सबसे पहले आपको बता दूं, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं एजुकेशन ब्रांच, ये जो SSC एजुकेशन ब्रांच मेल फीमेल की है, इसमें सबसे पहले तो आपके मिनिमम जो है आपके तकरीबन 60% मार्क्स होने चाहिए 10वीं और 12वीं दोनों कक्षा में। आपके 60% मार्क्स हैं तभी आप एलिजिबल होंगे। उसी के साथ मिनिमम 60% आपके मार्क्स जो है इंग्लिश में हैं 10वीं या 12वीं, मतलब 10वीं या 12वीं किसी भी एक में अगर 60% इंग्लिश में आपके हैं तो वो चल जाएगा। ओवरऑल 10वीं और 12वीं में 60% चाहिए और इंग्लिश किसी भी 10वीं या 12वीं एक में हो जाए तो वो चल जाएगी, ठीक है। तो ये एक टर्म एंड कंडीशन है। तो अब इसकी जो मेन क्वालिफिकेशन है वो बता देता हूं। पर SSC एजुकेशन ब्रांच के लिए यहां पे इन्होंने कहा कि आपकी MSc फिजिक्स न्यूक्लियर, ठीक है, और न्यूक्लियर फिजिक्स के साथ है तो चल जाएगी। विद मैथ इन BSc आपका होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ, जिसमें आपको 4 पोस्टें मिल जाएंगी। अगर आपने MSc की है मैथ्स या फिर ऑपरेशनल रिसर्च में विद फिजिक्स इन BSc में, तो विद 60% तो आपको 5 पोस्टें मिल रही हैं। अगर आपने MA की है इंग्लिश में विद 60% तो आपको 1 पोस्ट मिल जाएगी। आपने अगर BE या फिर BTech की है, किसके साथ, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन हो जाए या फिर इलेक्ट्रिकल हो जाए एंड इलेक्ट्रॉनिक्स हो जाए, इसमें से दो इन दोनों में से कोई हो जाए तो दोस्तों चल जाएगा, ठीक है। उसी के साथ इन्होंने कहा कि अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में की है तो वो चल जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन दोनों सेम है। उसी के साथ इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन चल जाएगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चल जाएगी। विद 60% आपको इसमें भी 5 पोस्टें मिल जाएंगी। अगर आपकी क्वालिफिकेशन BE BTech है किसी एक में, यानी कि BE या BTech आपने की है मैकेनिकल इंजीनियरिंग 60% के साथ, तो आपको 3 पोस्टें इसमें मिल जाएंगी। अब हम बात कर लेते हैं PC लॉजिस्टिक्स के लिए। इसमें 20 पोस्टें आपको मिल रही है जिसमें मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसमें दोस्तों आपको क्वालिफिकेशन या तो आपने BE BTech किसी भी डिसिप्लिन 60% के साथ की है तो आप एलिजिबल हैं, या फिर आपने MBA की है विद फर्स्ट क्लास 60% के साथ तो भी आप एलिजिबल हैं, या फिर आपने BSc की है, या फिर BCom की है, या फिर आपने BSc IT विद फर्स्ट क्लास की है और आपने PG डिप्लोमा फाइनेंस हो जाए या फिर लॉजिस्टिक हो जाए या फिर सप्लाई चेन मैनेजमेंट हो जाए या फिर मटेरियल फोर्थ मैनेजमेंट हो जाए और 60% के साथ किया है तो आप तब भी एलिजिबल हैं। अगर आपने MCA की है या फिर MSc IT में की है 60% के साथ तो दोस्तों तो आप तब भी एलिजिबल हैं। तो ये थी क्वालिफिकेशन। अगर हम बात करें यहाँ पे एजुकेशन, सॉरी, इसकी
एलिजिबिलिटी की एज लिमिट की, तो दोस्तों आपका जन्म एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए 2 जनवरी 1994 से लेके 1 जनवरी 1998 के बीच में होना चाहिए। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं लॉजिस्टिक्स के लिए, तो आपका जन्म 2 जनवरी 1994 से लेके 1 जुलाई 1999 के बीच में होना चाहिए। एप्लीकेशन फीस यहाँ पे कोई नहीं, इसकी लास्ट डेट 10 फरवरी 2018 है। ऑनलाइन अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो ये मैंने एक वीडियो है, यही वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, आप इसे देखकर ऑनलाइन अप्लाई करना सीख सकते हैं। मैंने इस वीडियो में पूरा आपको गाइड किया हुआ है। यहाँ पे मैंने ऑनलाइन अप्लाई का डायरेक्ट लिंक दिया है, जो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं देगा, इजी से ओपन हो जाएगा। और ये रहा ऑफिशियल नोटिफिकेशन का, तो इस पेज का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये हमारी वेबसाइट samajayaka.in, यहाँ पे आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहें तो ले सकते हैं, या फिर ज्वाइन इंडियन नेवी की वेबसाइट पे भी जाके ले सकते हैं। बाकी हमारे न्यू चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको, एक बार विजिट करके जरूर देखिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। ओके फ्रेंड्स, समझ आया क्या?